वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। फारस की खाड़ी के तनाव को इस नई परेशानी से गुजरना ही था। सोमवार को जब ईरान ने यह घोषणा कर दी कि वह 2015 का परमाणु समझौता मानने को बाध्य नहीं है, तो किसी को हैरत नहीं हुई। यूरोपीय देशों ने ईरान से यह अनुरोध जरूर किया कि है कि वह अपने इस फैसले पर फिर से विचार करे और परमाणु समझौते का पालन बरकरार रखे। लेकिन सभी को यह पता है कि वह अब इस समझौते की पाबंदियों को नहीं मानने वाला। दरअसल हैरत तो तब होती जब इस तनाव के बाद भी वह समझौते को मानने की बात करता। काश ऐसा होता, लेकिन इस परमाणु समझौते को तोड़ने का बड़ा आरोप किसी भी सूरत में ईरान पर नहीं आएगा, क्योंकि इस समझौते में प्रमुख भूमिका निभाने वाला अमेरिका 2 साल पहले ही इससे खुद को बाहर कर चुका है, जिसे हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति कहते हैं। वह दरअसल अमेरिका के इस समझौते से अलग होने के साथ ही शुरू हुई थी और उसी के साथ जो सिलसिला शुरू हुआ वह शुक्रवार को ईरान के सैन्य प्रमुख कासिम सुलेमानी की ड्रोन हमले में हत्या तक पहुंच गया। 2015 में परमाणु समझौते के साथ उम्मीद की जो एक नींव तैयार हुई थी वह अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। इस परमाणु समझौते ने ईरान के खिड़की दरवाजों को पूरी दुनिया के लिए खोला था। ईरान पर लगी तमाम तरह की पाबंदियां हटीं तो यह उम्मीद भी बनी थी कि वह जल्द ही अपने चरमपंथ को छोड़ दुनिया की मुख्यधारा में सक्रिय हो जाएगा। भारत जैसे देशों के लिए तो यह एक अच्छा समाचार इसलिए भी था कि नई दिल्ली के तेहरान से पुराने आपसी और कारोबारी संबंध रहे हैं जो लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। लेकिन अमेरिकी पाबंदियों के चलते भारत पर भी अक्सर रिश्ते तोड़ने के लिए दबाव बनाया जाता था, लेकिन ट्रंप के शासन संभालते ही ये सारी उम्मीदें ध्वस्त होने लगीं। हालांकि ईरान ने यही कहा है कि वह परमाणु संधि की पाबंदियों को नहीं मानेगा, लेकिन यह भी जोड़ दिया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार के विरुद्ध नहीं है। पाबंदियों को न मानने का अर्थ यह है कि वह यूरेनियम के संवर्धन को संधि के अनुसार कम करने की बजाय फिर से बढ़ाना शुरू कर देगा। यानी ईरान वही रास्ता अपनाएगा जो
आगे चलकर उसे परमाणु बम बनाने की ओर ले जाएगा। अभी हमें ठीक से नहीं पता कि वह वास्तविक परमाणु बम से कितना दूर है, लेकिन अमेरिकी ड्रोन हमले के बाद उस पर परमाणु बम बनाने का दबाव निश्चित तौर पर बढ़ेगा। वहाँ सैन्य विशेषज्ञों का यह तर्क काम करने लगेगा कि परंपरागत युद्ध में तो ईरान किसी भी तरह अमेरिका से जीत नहीं सकता, लेकिन परमाणु बम तनाव की स्थिति में उसे सौदेबाजी की ताकत जरूर दे सकता है। कोई बड़ा युद्ध होगा या नहीं, अभी नहीं कहा जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो बारूद के ढेर पर दुनिया बैठी दुनिया में चिंगारियों की संख्या जरूर बढ़ जाएगी। अमेरिका से कहीं ज़्यादा इसकी चिंता पश्चिम एशिया में उसके बड़े सहयोगी इजराइल को है। बहुत दूर अमेरिका पर निशाना साधने के मुकाबले ईरान के लिए इजराइल पर निशाना साधना ज़्यादा आसान होगा। इस मामले में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि शांति की कोई पहल नज़र नहीं आ रही। राजनयिक स्तर पर वे चैनल कहीं सक्रिय नहीं दिख रहे जो दोनों देशों को एक साथ बिठा सकें। स्टॉप।